पार्ट पढ़ा था चैप्टर नीव की फाउंडेशन स्टोन जो दिखती नहीं है और उस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, तो लगा कि जीवन में कुछ ऐसा काम करूं कि वो नीव की ईट हो। तो एक्चुअल में जो ये प्रत्यय एडू रिसर्च लैब है जिसके जिसकी पूरी कहानी मैं आज बताऊंगा, ये मेरी वही नीव की ईट बनने का सपना है। प्रत्यय असल में एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है सफिक्स, जो क्रिया के साथ जुड़ता है और अर्थ बदल देता है। तो हमारा ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल, टीचर्स, कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, यही एक्चुअल क्रिया है। हमें इसे रिप्लेस नहीं करना है और कोई पैरेलल व्यवस्था नहीं बनानी है। एक्चुअल में इसके साथ जुड़ना है, मिलना है और शिक्षा के मायने बदलने हैं, इसीलिए हम प्रत्यय हैं। तो चीजें स्टार्ट होती है पांडुना, एक बहुत ही छोटी सी जगह मध्य प्रदेश में, टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, जहां घर में हमेशा परिवार जो है शिक्षा को बहुत हाई इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल में होती रहती है। तो बचपन से ही है चीजों को एक्सपेरिमेंट करके, साइंस में कुछ खुरापात करके, उस तरीके का एटीट्यूड मेरा बचपन से ही था। लेकिन उस तरीके का प्रैक्टिकल एनवायरमेंट और एक्सपेरिमेंट करने का एक्सपोजर जो था वो सरकारी स्कूल में नहीं मिला। पर मेरे साथ एक एडवांटेज था कि मेरे पिताजी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से थे, तो घर में ही सारे टूल थे, छोटा सा मेकर स्पेस टाइप का था, तो मैं जो भी सीखता घर आता और कभी पुराना ट्रांजिस्टर लेके उसको खोल के एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कचरे से नहीं तो कभी मोटर्स निकाल रहा हूँ, मैग्नेट निकाल रहा हूँ, जनरेटर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाईटेक मल्टीमीटर ना भी हो तो वोल्टेज करेंट टेस्ट करने के लिए जीप से लगा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। तो जो एटीट्यूड था वो कबाड़ से जुगाड़ और हैंड्स ऑन वाला कि चीजें ऐसी पढ़नी है, तो मेरे लिए शिक्षा की परिभाषा बचपन से ही ऐसी थी। तो अब थोड़ा सा तो इंजीनियरिंग वाला तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, तो ये था कि इंजीनियरिंग करनी है, तो एक छोटे से शहर का सरकारी स्कूल, फिर वहां से कोटा में आईआईटी की कोचिंग, शिक्षा के व्यापार का बहुत बड़ा दलदल, ये मैं कहूंगा। मेहनत तो बहुत की लेकिन बीटेक में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये था कि चलो बीटेक नहीं तो एमटेक करेंगे, एमटेक नहीं कर पाए तो पीएचडी करेंगे, पीएचडी भी नहीं कर पाए तो लेकिन पढ़ाने जाएंगे आईटी, लेकिन जाएंगे। तो फिर इंजीनियरिंग जो है वो स्टेट के अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि विदिशा से, और फिर वहां से आईआईटी खड़गपुर पहुंच गए। तो ये शिक्षा की जो ये पूरी जर्नी थी, इसने मुझे एक चीज समझा दी कि हमारे देश में एजुकेशन को लेकर हायरार्की है। शिक्षा जो गुणवत्ता जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बराबर नहीं है, वो एक गांव से लेकर आईआईटी तक। फिर उसी दिन ठान लिया था, उसी समय उस पूरी जर्नी में, कि एजुकेशन को जमीनी स्तर पर बेहतर करने के लिए कुछ काम करूंगा। पर वही टिपिकल इंडियन क्लास, इंडियन मिडिल क्लास चीजें कि कुछ दिन इंडस्ट्री में रिसर्च एक्सपोजर लेंगे, फिर पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, सब सेटल रहेगा, फिर ये कुछ स्टार्ट करेंगे। पर ये सब हुआ नहीं, क्योंकि इस कहानी के साथ साथ एक और कहानी बचपन से मेरे साथ चली आ रही थी, वो थी ये लड़का लड़की की असमानता वाली। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ उसमें दहेज एक बड़ा मुद्दा है। बच्ची की पढ़ाई हो, उसके अपने सपने हो, सारी चीजें वो शादी, दहेज और उससे जुड़ी जुड़ी वाली परंपराओं पर अटक जाती है। तो एक चीज तो मैंने ठान ली थी कि मेरी छोटी सिस्टर के समय मैं इन चीजों को चैलेंज करूंगा। तो तब मैं आईबीएम में था और ये पूरी छोटी सी लड़ाई स्टार्ट हुई उन चीजों को चैलेंज करने की। तो जो बहुत सारी घटनाएं हुई, चीजें हुई, उससे एक चीज समझ में आ गई कि मदद करना और एम्पावरमेंट करने में क्या अंतर है। अगर मैं मेरी सिस्टर की आवाज बन रहा हूं, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं पूरा सही नहीं हूं, कहीं ना कहीं मैं मदद के नाम पर उसे कमजोर कर रहा हूं। अब असली सशक्तिकरण तो तब होता है जब वो अपनी आवाज, अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो वहां पर एक अच्छे एजुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। सो दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, जहां पर लगा कि भाई ये पीएचडी सेटलमेंट चीजें तो नहीं करेंगे, अभी मैं निकलना चाहिए। जो दिमाग में प्लान थे शिक्षा को लेके, उस पर हमें जाना चाहिए। जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगी, हम जिस भी चेंज और उसकी बात कर रहे हैं वो काम नहीं होगा। तो फिर मैंने ठान लिया, निकल पड़ा। फ्राइडे को मैंने फ्लाइट पकड़ी है, घर आया हूँ, मम्मी पापा को बैठा ला, पूरे आइडिया समझाए, उन्होंने कहा ठीक है, तो सब ठीक है। मंडे को जाकर रिजाइन कर दिया। तो आइडिया चीजें कंसेप्चुलाइज करना स्टार्ट कर दिया था और चीजें थी। या एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा जो अक्सर हर जगह आते रहता है,
कि एन आईआईटीएन हु लेफ्ट हिज जॉब फ्रॉम आईबीएम और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी काम नहीं छोड़ा, मैंने आईबीएम से एक चैलेंजिंग काम पर स्विच मारा है। मैं समझता हूं जो मैं पहले माइक्रोप्रोसेसर डिजाइन कर रहा था और जो आज मैं बलून कार और मोटर रॉकेट डिजाइन करता हूं, जो काम मैं पहले कर रहा था उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। और ये भी नहीं था कि मैं वापस लौट के अपने होम टाउन आ गया। अगर आजादी के 70 साल में मुझे इंजीनियरिंग कर रहे और जिस तरीके का इंजीनियर बनना था वो सब पांडुना में ही मिल जाता, तो मैं कभी अपना परिवार दोस्त और वो मट्टी छोड़ के नहीं जाता। तो हमने 70 साल में हायरार्की बनाई, वो 7-8 कॉलेज इतने हैं, तो वही था कि वो सब हम वहां करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं करा, मैं मेरे सपनों के पीछे भाग रहा हूं, उसको रियलिटी में चीजें करने के लिए काम कर रहा हूं। तो तीन चीजें क्लियर हो गई कि पहला जो है शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक असमानता, और ये प्रत्यय फिलोसॉफी के सिस्टम को रिप्लेस नहीं करना है, उसके साथ काम करना है, उसे मजबूत करना है। इससे ये प्रत्यय एडू रिसर्च लैब निकल के आया। शुरुआत ऐसे हुई कि साइंस के कुछ कचरे से बनी चीजों से पूरे सेशन डिजाइन किए, तो जो फिजिक्स है वो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी MIT में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, प्रोफेसर वाल्टर बेक पढ़ा रहे थे, वो हमें गांव में कर रहा है। तो वहीं पर अरविंद गुप्ता जी का टॉयज फ्रॉम ट्रैश फिलोसॉफी आई। तो सेशन डिजाइन करे पांडुना और आसपास के 4 ब्लॉक के कुछ 40 स्कूलों के साथ, करीब 5,000 बच्चों के साथ ये पूरे सेशन हमने करे। फीडबैक निकल के आया, टीचरों से डिस्कशन निकल के आया, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरा काम किया उसको समझा। तो शिक्षा की गुणवत्ता को लेके मोटी मोटी 5 प्रॉब्लम्स निकल के आई कि हमें कहीं ना कहीं सीखने बढ़ाने के तरीकों पर काम करना होगा, तो पेडागॉजिकल रिसर्च चाहिए, इन सर्विस टीचर प्री सर्विस टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना होगा, तो एजुकेशनल लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर या बाहर, कहीं भी ऐसे स्पेसेस नहीं है जहां पर कि बच्चे बिना डर के एक्सपेरिमेंट कर पाए, तो स्टूडेंट ड्रिवन स्पेसेस क्रिएट करने होंगे। और इंटरनेट तो गांव तक पहुंच चुका है, टेक्नोलॉजी भी पहुंच चुकी है, लेकिन जितना फ्री ओपन रिसोर्स अवेलेबल है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षा में इस्तेमाल नहीं हुआ, इसे प्रमोट करना पड़ेगा। और पांचवा एक मेजर प्रॉब्लम निकल के आया कि लोकल कम्युनिटी जो है वो पब्लिक एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो इसे कैसे इन्वॉल्व करेंगे। तो इन पांचों चीजों से एक छोटा सा आइडिया जो मैं लेके निकला वो उस पूरी जर्नी में समय के साथ इवॉल्व हो गया और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एजुकेशनल इकोसिस्टम मॉडल है। तो प्रत्यय बेसिकली एक आइडिया है, एक मुहिम है जिसको हम पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर स्केल करना चाहते हैं। तो इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड पूरा इकोसिस्टम है। तो पिछले 2 एकेडमिक सेशन से करीब 15 स्कूलों के साथ, करीब 2,000 बच्चों के साथ स्ट्रक्चर चीजें चल रही है, और वो भी वही के लोकल रिसोर्सेज की मदद से, वही के ग्रेजुएट वॉलेंटियर इन सर्विस टीचर सारे जुड़े, और ये पूरा एजुकेशनल इकोसिस्टम हम पांडुना और उसके आसपास के गांवों में और स्कूलों के साथ धीरे धीरे नर्चर कर रहे हैं। शिक्षा में तो बेहतरी आ रही है, उसके साथ ये हुआ कि जब भी क्वालिटी एजुकेशन का प्रोग्राम चलता है तो ओवरऑल चीजें बदलती है, क्योंकि शिक्षा जो है वो साइंटिफिक टेंपर वाला मामला है और सवाल करने की क्षमता लाती है। तो शहर में पहली बार ये हुआ है कि गर्ल्स वॉलेंटियर का टीम किसी ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने निकला है पूरे 70 साल। पहली बार ये हुआ कि गर्ल्स आदिवासी हॉस्टल से निकल के बच्चियां बॉयज आदिवासी हॉस्टल में सेशंस फैसिलिटेट कर रही है। पहली बार ये हुआ कि किसी 7th क्लास से, सरकारी स्कूल के 7th क्लास के एक बच्चे ने नेशनल लेवल पर इंस्पायरी अवार्ड जीता है और उसका मॉडल जापान जाने के लिए रेडी है, और जो हिरारी उसको ब्रेक करने का था, तो वहां का लोकल ग्रेजुएशन कॉलेज के वॉलेंटियर्स IIT के ग्रेजुएट बच्चों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं और वर्कशॉप सेशन डिजाइन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम शिक्षा की समानता और गुणवत्ता करें तो उस पर हम लगे हुए थे। इस पूरे काम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो है एजुकेशन, शिक्षा जो हार्ट है जिससे सारी चीजें बदल रही है, यानी हमारे पढ़ाने के तरीके। तो हम लोगों के लिए एजुकेशन जो फिलोसॉफी है वो कोई नई नहीं है, ये वही है जो गांधी और अंबेडकर ने कही है कि बच्चे काम करते करते कौशल सीखेंगे, हाथ का इस्तेमाल करेंगे, स्किल्स, फिर उस काम के पीछे के नॉलेज को सीखेंगे कि उसके पीछे विज्ञान क्या है, तो अपना मस्तिष्क लगाएंगे हेड, और इन दोनों को अप्लाई करते समय मानवीय मूल्य और संवैधानिक मूल्यों को अपने दिल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी हेड हैंड एंड हार्ट, ये तीनों का इस्तेमाल एक साथ होगा, तो बच्चे सीखने के लिए कौशल नॉलेज और वैल्यूज, यानी स्किल नॉलेज और वैल्यूज, ये तीनों उसमें इंटीग्रेटेड रहेगी। ये पूरी एजुकेशन फिलोसॉफी हमारी है। तो इस छोटी सी जर्नी में, छोटे से एक निर्माण के काम में, मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
कि एक छोटा सा आइडिया जिसको मैं लेके निकला, लगे रहा, चीजें अपने आप इवॉल्व होती रही, लोग आते रहे, टीम बनती रही, रिसोर्सेस है और सारी चीजें हैं। तो जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, आपका आइडिया फेल हो सकता है, लेकिन आप लगे तो आपके एफर्ट और आप फेल नहीं होंगे, वहां से कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे। तो विद्यार्थी हम बने रहें और हमेशा सीखते रहें। समराइज करूंगा इस पिक्चर से जो आपको दिख रही है, जो नियम की मैंने शिक्षा की रखी थी, आज वहां पर शिक्षा का ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये छोटे से गांव का पिक है जहां पर मैं नहीं हूं, वहीं टीचर्स चीजें चला रहे हैं। तो एक शिक्षिका, एक लड़का और एक लड़की, विद्यार्थी, ये सारे मिलकर सीख रहे हैं। इस तरीके का निर्माण हमारे इस काम से हुआ है। लास्ट में एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कंस्ट्रक्टिव काम हमें करना है, सारी चीजें हैं, तो हमारे देश में संघर्ष का कदम बहुत बड़ा रहा है हमेशा। अब इस संघर्ष के कदम के बीच में से निर्माण के कदम की जरूरत है, जो संघर्ष के कदम के साथ सिद्ध रहना चाहिए। अकेला निर्माण हुआ तो वो कोटा की कोचिंग्स ही बनेगी, लेकिन उसको सिंक होना चाहिए संघर्ष के कदम के साथ। तो एक कदम निर्माण का और एक कदम संघर्ष का साथ साथ चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।